लाख नमूनों को ढाका पहुंचा दीजिए तो मानेंगे कि 56 इंच की छाती है। तल्ख तेवरों के साथ हिंदूवादी छवि वाले नेता प्रवीण तोगड़िया अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तोगड़िया एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के, जिसने देश में सत्ता बदल दी, इस पर नजर डालें तो बीजेपी कुछ ऐसे एजेंडे को लेकर ही सत्ता तक पहुंची थी जिसकी जनता को बरसों से उम्मीद थी। महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए। तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। वहीं गुजरात के चुनावी समर को याद करें तो हिंदू एजेंडे को भुनाने में तोगड़िया की अहम भूमिका मानी गई। वहीं 2018 में हुए कर्नाटक चुनाव की कमान सीएम योगी को सौंपी गई तो हिंदू एजेंडे का वो प्रचार नहीं दिखा जो यूपी और गुजरात समेत कई राज्यों में देखा जाता था। मतलब सीधा है, संगठन के पुराने हिंदू नेता अब उसी बीजेपी को हराने की कवायद में जुट चुके हैं। सरकार ने वचन दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो संसद में राम मंदिर का कानून बनाएगी। बोलो सरकार आ गई, उनको 4 साल हो गया या नहीं? बोलो राम मंदिर का कानून बना क्या? इधर मध्य प्रदेश का रुख करें तो बीजेपी के कुछ पुराने नेताओं के रिश्ते अब भी तोगड़िया के साथ बताए जाते हैं। ऐसा कई दफा देखा गया है कि बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं के यहाँ प्रवीण तोगड़िया का आना जाना अक्सर लगा रहता है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि क्या प्रवीण तोगड़िया मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए कट्टर हिंदू वोटों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि गुजरात चुनाव में बीजेपी को हुआ था। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिला और संभाग स्तर पर चल रही पार्टी की गुटबाजी और पुराने नेताओं की टिकट की मांग पूरी नहीं होने पर नेता निर्दलीय खड़े होकर पार्टी को झटका दे सकते हैं। देखा जाए तो प्रवीण तोगड़िया ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का दौरा तेज कर दिया है, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव होने में कुछ महीनों का वक्त बचा है। जिस तरीके से तोगड़िया पहले बीजेपी के लिए कट्टर हिंदू वोटों की बिसात बिछाया करते थे, आज वही तोगड़िया के भाषण में साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने बीजेपी को अब निशाने पर ले लिया है। मेरा कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए 3.25 करोड़ में भोपाल में भी है, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली में, मुंबई में भी है। सभी राज्य सरकारें बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करके देश की रक्षा करने का संकल्प करके दिखाए। इतने वर्षों में कोई कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजप की सरकार ने बांग्लादेशियों को हटाने का काम नहीं किया है, सब चुनावी राजनीति कर रहे हैं। बात करते हैं सीएम के गृह जिले सीहोर की, जहां तोगड़िया की सभा में भारी संख्या में युवा वर्ग नजर आया। वहीं पहले बीजेपी के राम मंदिर के नारे के सामने तोगड़िया दूसरे धार्मिक मुद्दों का नारा लेकर मैदान में पहुंच चुके हैं। वो नारा है, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, तीनों लेंगे एक साथ। इतना ही नहीं, इन दिनों देश में चल रहे 40 लाख एनआरसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के विवाद पर भी तोगड़िया ने पीएम से इन्हें हटाने की बात कही है। अकेला अयोध्या नहीं, मेरे साथ बोलो अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ। अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ। अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ। तोगड़िया के बयानों से साफ दिखता है कि भावनाओं की राजनीति कर बीजेपी के वोटों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर का कानून बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन आपने ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया। अरे आपको तो राम मंदिर का कानून बनाने के लिए वोट दिया था और आपने मुसलमानों की बीवियों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून बना
केंद्र की भाजपा सरकार ने अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए कानून न बनाकर करोड़ों हिंदुओं के साथ छल किया है। ऐसा कहना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अतुल राठौर का। शिकायत इनकी भी है। हिंदू समाज ने जो उसको वोट दिया है वो धारा 370 सामान्य नागरिक संहिता, राम जन्मभूमि, बांग्लादेशी एवं रोहिणियों को बाहर करना, ये सब मुद्दे ही हिंदू समाज के मुद्दे हैं। इन्हीं के आधार पर हमने 14 में उनको वोट दिया। आज स्थिति यह है कि उन्होंने इस विषय पर कोई कार्य नहीं किया। अगर भविष्य में अगर इस तरीके से कार्य नहीं किए तो हिंदू समाज पुनः उनको इस बात का पनिशमेंट देने के लिए तैयार है। तो साफ नजर आ रहा है आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में तोगड़िया की ताबड़तोड़ क्या सियासी समीकरण बैठा पाती है। डेस्क DNN।